जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरेटर के बारे में जानेंगे कि कब जनरेटर एसी होता है और कब डीसी होता है, अल्टरनेटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, एक जनरेटर एसी एंड डीसी की तरह कैसे वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर यानी किसी चीज़ को जनरेट करना। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली एक मशीन है, ये हमारा जनरेटर होता है। अब हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी को डीसी टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन हमारी डीसी जनरेटर कहलाती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा जनरेटर होता है, और जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा डीसी जनरेटर होता है। दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। इसमें ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जनरली इसे रोटेट कराते हैं। करना इसे एंटी क्लॉक भी सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो कट रही हैं, जिसके कारण इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें जो है ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर की क्या हैं, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स डीसी जनरेटर की क्या हैं। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर टू, मैकेनिकल एनर्जी। नंबर थ्री, आर्मेचर। नंबर फोर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमारा आर्मेचर जो है रोटेट करता है। मैकेनिकल एनर्जी जो प्राइम मूवर के द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। आर्मेचर जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश जिससे हम सप्लाई लेते हैं। यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का कम्यूटेटर होता है और कार्बन ब्रश जिससे हम सप्लाई प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर क्या है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। इसे कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के द्वारा डीसी के रूप में बाहर प्राप्त करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये डीसी हमें पल्स रेटिंग फुल वेव डीसी के रूप में प्राप्त होती है। जनरेटर एसी हो या डीसी हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी ही होता है, चाहे वो एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर। अब बात आती है कि मैक्सिमम ईएमएफ हमें कहाँ पर मिलेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ हमें 90 डिग्री पर मिलेगा, मिनिमम या ज़ीरो हमें 0 या 180 पर मिलता है। दोस्तों, इस डायग्राम की हेल्प से हम जानेंगे कि जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी ही क्यों होता है। जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो ये डिग्री में घूमेगा। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, हर डिग्री पर वोल्टेज बढ़ता है। अभी कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका वोल्टेज ज़ीरो होगा। जैसे ही 30 डिग्री पर मूव करेगा तो कुछ वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर हमें कुछ ना कुछ इसका वोल्टेज मिलेगा। ऐसे इसकी हाफ़ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साइकिल तैयार हो जाएगी, जो हमें अल्टरनेटिंग करंट के रूप में प्राप्त होगी। दोस्तों,
जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग लगाकर हम लोग जनरेटर से एसी सप्लाई प्राप्त करते हैं, और जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगाकर हम लोग जनरेटर से डीसी सप्लाई को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो अल्टरनेटर और जनरेटर में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अल्टरनेटर से केवल एसी ही जनरेट की जा सकती है, जबकि अगर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर से हम लोग एसी एंड डीसी दोनों को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको जनरेटर के बारे में जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।